और एवरीवन कैसे हम सभी आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर आप लोगों को दिखाने वाला हूं। मैं बिल्कुल नई गाड़ी है दोस्तों ये, जो कि फ्रॉन्क्स के साथ ही आई है दोस्तों। ये फ्रॉन्क्स के लुक ही आप लोगों को सेम मिलेगी, लेकिन ये टोयोटा की तरफ से आई है गाड़ी। ये है इसका बिल्कुल बेस वेरियंट, ई वेरियंट। इस गाड़ी के मैं आप लोगों को ना सारी चीज़ें बताऊँ डिटेल में, आप लोगों को क्या क्या इसके अंदर फीचर मिलते हैं, क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बेस वेरियंट के अंदर ई वेरियंट है। जिन लोगों को नहीं अभी भी देख रहा है इसको देखने के बाद कि बिल्कुल बेस वेरियंट है, उन लोगों को मैं पीछे से दिखाता हूँ। ये देखो ई वेरियंट है, बिल्कुल बेस वेरियंट है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा फीचर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो जो फीचर मिलेंगे सब चीजों के बारे में आज मैं डिटेल में आप लोगों से बात करता हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप लोग आए हैं, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज कर दीजिए। आज की इस वाली वीडियो में ना इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो पता लग जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले तो आप लोग इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लो, देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को फ्रंट से कि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोम का जो यूज़ है ना वो किया गया है जगह जगह आप लोगों को जो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को जिसकी ग्रिल है वो सारी मैट ब्लैक कलर में आप लोगों को ग्रिल मिलती है। कई बेस वेरियंट होने के बाद भी इसके अंदर आप लोगों को ड्यूल टोन हॉर्न मिलते हैं, एक हॉर्न हियर है इसका और एक हॉर्न आप लोगों को यहाँ मिलेगा। काफी बड़ा टोयोटा का बीच में आप लोगों को लोगो देखने को मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की आप लोगों को यहाँ पर जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। नीचे अगेन आप लोगों को ब्लैक कलर की जो यहाँ पर ग्रिल है वो देखने को मिलेगी, और उसके नीचे ग्रे कलर की जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाएगी। बेस वेरियंट के अंदर इसके अंदर आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है, लेकिन ये हैलोजन में है। देख सकते हो आप लोग प्रोजेक्टर दिया गया, और यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर एक बल्ब वाली लाइट जो दी गई है, यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स आप लोगों को देखने को दोस्तों मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को मिलती है। और साइड से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें जो क्लैडिंग है वो सारी ब्लैक कलर की जो क्लैडिंग है वो आप लोगों को दी गई है पूरी गाड़ी पे, जो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी आप लोगों को देती है। जिसका रनिंग बोर्ड है यहाँ पे नीचे स्क्रैच वगैरह लगते हैं तो ये बचा लेता है, ज़्यादा बद्दे नहीं दिखते। टायर के बारे में बात करें तो दोस्तों बेस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को जो व्हील कवर है वो देखने को नहीं मिलेगा, यही वाला टायर आप लोगों को दिया गया गुडियर का। टायर प्रोफाइल की बात करूं 195 60 आर 16 इंचेस का आप लोगों को जो उसका टायर है वो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट में इसके अंदर आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक है वो दी गई है। फेंडर पे आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जो कि बेस वेरिएंट की पहचान होती है। दो वाइपर आप लोगों को मिलेंगे, दो वॉशर आप लोगों को मिल जाएंगे। मैनुअली आप लोगों को इसके अंदर फोल्ड करने के लिए जो साइड मिरर्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को मैनुअल फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे। ये इसका दरवाजा, आप लोगों को जो डोर हैंडल है वो आप लोगों को मैट ब्लैक कलर में यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसका जो फ्यूल फिलर कैप है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को जो इसकी टेल लाइट है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को यहाँ से पूरी एलईडी दी गई है, लेकिन ये कनेक्टेड आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग जैसे कि देख सकते हो कनेक्टेड यहाँ पे नहीं दी गई है। बीच में टोयोटा का लोगो आप लोगों को मिलेगा। डिफोगर आप लोगों को दी गई है, लेकिन आप लोगों को वाइपर नहीं मिलेगा। और हाई माउंटेड जो लैंप है यहाँ पे आप लोगों को देखने को इसमें मिल जाएगी। जो उसके इंडिकेटर है वो देख लो पीछे से चलने के बाद क्या लुक देती है, क्योंकि कहते हैं उसको देखने के बाद बिल्कुल बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आप लोगों को लाइट दी गई, लेकिन ये कनेक्टेड आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को ई की बैजिंग मिलती है, नंबर प्लेट लगाने की प्लेसमेंट मिलती है। अर्बन क्रूजर टाइजर यहाँ पे आप लोगों को 3D में दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर आप लोगों को मिलेंगे, और ये सारा आप लोगों को ब्लैक कलर का दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को ग्रे कलर की लुक दी गई है। पीछे से देखने में ना गाड़ी बिल्कुल जबरदस्त लगती है, ठीक है। एक बार इसकी डिग्गी और खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। बटन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया भाई, बटन वाला आप लोगों को मिलेगा पकड़ने के लिए, बंद करने के लिए आप लोगों को ये जगह दी गई है। ये है इसकी बूट। यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो पार्शल ट्रे है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को हुक दे दिए गए हैं, लाइट आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ इस साइड आप लोगों को जैक वगैरह मिलता है। स्टेपनी की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को ये जो इसकी स्टेपनी है वो दी गई है। सेम टायर आप लोगों को मिलेगा, जो कि टायर के गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। स्टेपनी के अंदर भी आप लोगों को सेम टायर मिलेगा। सीट जो है इसकी आप लोगों को यहाँ पे 60-40 स्पीड पर देखने को मिल जाती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब गाड़ी की बाहर से मैंने आप लोगों को सारी लुक चेकआउट करा दी। छत रह गई है, ये आप लोगों को रूफ रेल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एक शार्क फिन एंटीना जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को इसका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसको खोलते हैं दरवाजे को, गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सारा ना इसके अंदर सॉफ्ट टच, ये लेदर है, और यहाँ पे आप लोगों को सारा सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को ब्लैक कलर का मिलेगा, ये हल्का सा ब्राउनिश शेड में आप लोगों को मिलेगा। चारों पावर विंडो आप लोगों को दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को इसके एक क्लिक में लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। साइड वाली जो शीशा है उसको बंद करने के लिए ये आप लोगों को बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इसका एक बॉटल होल्डर कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर स्पीकर की जगह दे दी गई है, लेकिन स्पीकर इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आप लोगों को ये बैक वाला आप लोगों को आगे करने के लिए मिलता है। सीट की बात करें तो कुछ इस तरीके की सीट आप लोगों को मिलती है, पूरी ब्राउन कलर की सीट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। इसको पीछे करते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार आप लोगों को बैठ के लुक दिखाता हूँ। तो ये इसका स्टेयरिंग, यहाँ पे कोई भी आप लोगों को जो बटन वगैरह है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बेस वेरियंट है। हॉर्न इसके अंदर आप लोगों को ड्यूल टोन में देखने को मिल जाएगा। ये है इसका यहाँ पे MID, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा एनालॉग आप लोगों को मिलेगा। बीच में एक छोटी सी स्क्रीन आप लोगों को दे दी गई है, जिसके अंदर आप लोगों को माइलेज दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, गियर दिखाएगा और मोड इसके अंदर आप लोगों को शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये सारा ना आप लोगों को यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है, लेकिन ये लुक देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे लेदर है। ये सारा प्लास्टिक आप लोगों को मिलेगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को मिलता है, हेडलाइट लेवलियर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को अपना फोन वगैरह रखने की जगह मिलती है,
ये आप लोग देख सकते हैं मैनुअल आप लोगों को चाबी लगाने की जगह मिलती है। एक डेड पैडल इसके अंदर दिया गया जो कि सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को। यहाँ पे आप लोगों को इसका जो एसी वेंट्स हैं कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोगों को सारी ब्राउन फिनिशिंग दी गई है। क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी खासी जो बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को मिलती है। मैनुअल आप लोगों को फोल्ड करने के लिए इसमें जो रियर व्यू मिरर है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों को कोई भी इसके अंदर जो टिकट होल्डर है देखने को नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आप लोगों को 6 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड रखे गए हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे। म्यूजिक सिस्टम लगाने की जगह दी गई है जहाँ पे आप लोग अपना 9 इंची का कितना भी 10 इंची का कितना भी आप लोग अपना जो स्क्रीन है वो लगवा सकते हैं, आप लोगों को गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सारे जो पियानो फिनिशिंग वो दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिल्वर पियानो फिनिशिंग है। ऑटो एसी दे दिया गया भाई, बेस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को डिजिटल एसी तो मिलेगा लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ऑटो एसी भी दे दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को 12 वाट की जो सॉकेट है वो दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप लोग अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। 2 बोतल होल्डर कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को सारे जो फिनिशिंग है ना देखने में पूरा ऐसा लगेगा जैसे कार्बन फाइबर है लेकिन सब आप लोगों को प्लास्टिक मिलेगा। 5 गियर दिए जाएंगे, पीछे इसका रिवर्स जो है वो लग जाएगा। हैंड ब्रेक आप लोगों को देखने को इसमें मिल जाती है। बाकी ये आप लोग सारी जो लुक है देख सकते हैं। यहाँ पे अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अपना कॉइन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी फोन रखने की जगह मिलती है और ये है इसके यहाँ पे ग्लव बॉक्स, ये आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। तो ये है ओवरऑल सारी चीजें इसकी। बाकी सीट्स वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दी है, फ्रंट से यही लुक आप लोगों को मिलेगी। पीछे बढ़ते हैं गाड़ी के, पीछे से एक बार मैं इंटीरियर की लुक आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये है इसके रियर लुक, जैसे आप लोग देख सकते हो पीछे भी आप लोगों को सेम मिलेगा। पावर विंडो आप लोगों को मिलेगी, स्पीकर की जगह दी दी गई है, बोटल वोटर कैपेसिटी मिलती है, ये आप लोगों को ब्लैक कलर का मिल जाएगा। और ये है इसकी रियर सीट। देखो इसमें पीछे से घुसना ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें आप लोगों को जो पीछे सीट है ना वो पीछे से है ना लोग यहाँ से पूरी ऐसे कूपर टाइप का डिजाइन जा रहा, तो आप लोगों का सर जो इसमें टकरा सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा देख के बैठना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पीछे जो बैठा उसका फोन रखने की जगह मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को 12 वाट का जो चार्जिंग है पोर्ट है वो देखने को मिलेगा। नीचे भी आप लोग अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, पीछे से कुछ इस तरीके की लुक मिलती है। सीट ठीक है भाई, देख सकते हो आप लोग अच्छा खासा स्पेस है सीट का आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार गाड़ी के अंदर बंद करके आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे इस गाड़ी के मैं आप लोगों को एक बार अंदर से एक बार बैठने के बाद लुक दिखाए तो देखो मैं यहाँ पे ना कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। छत की जो जगह इतनी मिल रही है मेरे को इतनी सी, क्योंकि ये कूपर टाइप जो उसके पीछे से ना लुक है यहाँ पर ना पीछे से दब रही है हल्की सी। बाकी मैं भी आप लोगों को चीज चेकआउट कराता हूँ। बाकी ये जो सीट है थोड़ी सी मैंने आगे कर रखी है लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा नी सपोर्ट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं आसानी से बैठ पा रहा हूँ, पैर मेरे ठीक ठाक इसमें टिक पा रहे हैं। बाकी पीछे से देखो मैं ये जो कह रहा हूँ ना वो कूपर टाइप जो डिजाइन है वो इसलिए मिलता है क्योंकि देखो हेडरेस्ट पे बिल्कुल छत बिल्कुल ऑलमोस्ट टकरा रही है क्योंकि ये पीछे से ऐसे जा रही है ये वाली गाड़ी की जो डिजाइन है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को तीनों यहाँ पे जो रूम है हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा और ये वाला जो हेडरेस्ट ना ये आई थिंक ये भी एडजस्टेबल है भाई, तीनों एडजस्टेबल आप लोगों को मिलेंगे जो कि काफी बढ़िया बात है। बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो 774,000 रुपीज जो है इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस है। और ऑन रोड की बात करूं तो आप लोगों की स्क्रीन से दिखा रहा है इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइसिंग। बाकी बात करूं गाड़ी की माइलेज के बारे में तो गाड़ी तो ये भाई ये वाली जो गाड़ी है ना बहुत अच्छी माइलेज देती है। इस गाड़ी की जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो है 26-27 की, लेकिन इसके जो यूजर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि ये 22-23-24 तक की माइलेज बहुत ही प्यार से दे देती है। कहीं कहीं लोग इससे ना 30 तक की भी माइलेज निकाल लेते हैं पेट्रोल पे जब ये हाईवे पे चलती है गाड़ी, तो बहुत अच्छी माइलेज देती है। प्लस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आप लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट देखने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो ये है ओवरऑल सारी डिटेल। एक बेस वेरिएंट मैंने आप लोगों को दिखाया टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर का ई वाला वेरिएंट जो कि आप लोगों को काफी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है। एंड इसका जो प्राइसिंग है ना मैं श्योर नहीं हूं ऑन प्राइसिंग का, 8 लाख कुछ का इसका ऑन प्राइसिंग पड़ता है, तभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी आप लोगों ने चेकआउट कर लिया है, 3 से 4 कलर जो इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को बेस वेरिएंट के अंदर जो देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल सारी डिटेल, सब कुछ आप लोगों को चेकआउट करा दिया है मैंने। अगर आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगे पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।